हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु को समझते हुए हम समझेंगे कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक मानसूनी वर्षा होती है, और किस राज्य में लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक बारिश होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि चूँकि हम जलवायु टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हम ये समझ लेते हैं कि जलवायु होती क्या है। तो दोस्तों, जो जलवायु होती है वह वायुमंडल की वह अवस्था है जहाँ पर लंबे समय तक मौसम एक समान रहता है। यदि हम बात करें मौसम की, तो मौसम वायुमंडल की वह अवस्था है जो कुछ समय पश्चात परिवर्तित होता रहता है। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे जलवायु और मौसम में डिफरेंस क्या है। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ की जलवायु। तो दोस्तों, जलवायु को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि हवाओं का जलवायु पर क्या प्रभाव होता है। दोस्तों, जो हवाएं होती हैं वो हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। बात करें तो जो वायुमंडल के थ्रू अगर हम प्रेशर की बात करें, दाब की बात करें, तो दोस्तों ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जो दाब होता है वो हमेशा तापमान के उल्टा होता है, यानी कि जहाँ पर दाब अधिक होगा वहाँ पर तापमान कम होगा, और जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहाँ पर दाब कम होगा। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखते देखते क्या होता है। ठीक दोस्तों, ये है पृथ्वी का, ठीक है, ग्लोब। ये ग्लोब है और ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा। ये आपको पता है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है, ये 23.5 डिग्री साउथ पर है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों, ये आपको पता है कि जो भारत की कर्क रेखा है, ठीक है, वो बीचों बीच से जा रही है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। ठीक, 21 जून को जो सूर्य होता है, जून के यानी कि गर्मियों के मौसम में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो जब कर्क की रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो यहाँ पर मौसम कैसा होगा? गर्म होगा, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। और जब टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या होगा? लो प्रेशर होगा। ठीक, इसके विपरीत हम देखते हैं कि जो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र अपेक्षाकृत ठंडा होगा। तो यहाँ यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? लो टेम्परेचर होगा। ठीक है, और जब टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, अब यही मैंने बताया था, जो हवाएं चलती हैं वो हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ चलेंगी। अब चूंकि ये हवाएं समुद्र से होकर आ रही हैं तो इन पर जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक दोस्तों, ये हवाएं जब भूमध्य रेखा को पार करती हैं तो अपनी दाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं कोरिओलिस फोर्स के कारण, जिसे हम फेरल का नियम भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। इसे हम कोरिओलिस फोर्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जब ये रेखाएं भूमध्य रेखा को पार करके आगे बढ़ती हैं तो यह दो भारत के स्थल भाग में प्रवेश करने से पूर्व यह दो भागों में बंट जाती हैं, दो शाखाओं में बंट जाती है। इसकी ये वाली शाखा कहलाती है अरब सागर की दक्षिण पश्चिमी मानसून शाखा, ठीक है, और दूसरी शाखा कहलाती है बंगाल की खाड़ी की बीओबी, यानी कि बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा। ठीक दोस्तों, यह अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा भारत में तीन शाखाओं में भारत में एंट्री करती है। ठीक है, जो पहली शाखा है ये केरल में 1 से 5 जून के बीच में पहुंचती है। कब पहुंचती है? केरल में 1 से 5 जून के बीच में पहुंचती है। ठीक है, और सर्वाधिक वर्षा करती है पश्चिमी घाट पर। किस पर करती है? पश्चिमी घाट पर सर्वाधिक वर्षा करती है।
ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो केरल के तट पर होती है। ठीक है दोस्त, और केरल का जो तट है इसकी अपेक्षाकृत जो हाइट है वो लगभग 1200 से 1500 मीटर है। ये हवाएं ढाल के अनुसार बारिश करती हुई जाती हैं, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती हैं बारिश करती हुई जाती हैं। ठीक है, और ऊपर जाने पर इन पे जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है और यह इस क्षेत्र में कम बारिश करती हैं या फिर नहीं बारिश नहीं करती हैं। ये जो क्षेत्र है यह तमिलनाडु का पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है, इसे कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या कहते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर बारिश ना के बराबर या फिर बहुत कम होती है। ठीक, तो दोस्तों ये पहला है, सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? केरल के मालाबार तट पर, ये पहली शाखा है। ठीक, दूसरी शाखा मुंबई से भारत में प्रवेश करती है और यह भारत के मध्यवर्ती भागों में होते हुए आगे तक भारत के मैदानी भागों तक अत्यधिक मात्रा में बारिश करती है। दोस्तों भारत में, और दोस्तों यही शाखा ये बंगाल की खाड़ी की शाखा के साथ मिलकर उत्तर भारत के राज्यों में अत्यधिक वर्षा करती है। तीसरी शाखा जो होती है वो गुजरात से भारत में एंट्री करती है और यह अरावली के सहारे भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर बारिश करती हुई जाती है। तो दोस्तों ये तीन जो शाखाएं हैं यह अरब सागर की दक्षिण पश्चिमी मानसून शाखाएं हैं। ठीक दोस्तों, एक चीज इसमें स्किप हो गई थी, मानसून। दोस्तों जो मानसून शब्द है यह है, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। किससे बना है? मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है हवाओं का मौसम के साथ उलट जाना। हवाओं का मौसम के अनुसार पलट जाना, ठीक है, इसी को बोलते हैं मानसून। और भारतीय मानसून का सबसे पहले वर्णन जिन्होंने किया है, भारतीय मानसून का सबसे पहले वर्णन ये किया है अरब विद्वान अल मसूदी ने। किसने किया है? अल मसूदी ने सबसे पहले भारतीय मानसून का वर्णन किया है। ठीक है, कौन थी? अरब विद्वान थे। ठीक दोस्तों, ये बात हो गई मानसून शब्द की, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों ये तो है दक्षिण पश्चिम की अरब शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब शाखा है उससे होने वाली वर्षा है। ठीक, इसके बाद जो दूसरी शाखा है उसको देख लेते हैं। दोस्तों दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिमी मानसून शाखा कहलाती है। ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए म्यांमार के तटीय इलाकों पर प्रवेश करती है और यहाँ पर अराकान पर्वत से टकराकर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश करती है। ठीक है, इसके बाद इसी बंगाल की खाड़ी की एक दूसरी शाखा ये ब्रह्मपुत्र घाटी की ओर प्रवाहित होती है और यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा करती है। ये क्षेत्र कहलाता है मेघालय वाला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर खासी पहाड़ी के दक्षिण में, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं, खासी पहाड़ी के दक्षिण में, ठीक है, जो पर्वत है जो स्थान है उसका नाम है मासिनराम, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा करती है और इस क्षेत्र में जो बारिश होती है वह विश्व की सर्वाधिक बारिश वाला औसत वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर बारिश होने का एक प्रमुख कारण ये भी है कि यहाँ की जो पर्वत है वो कीपाकार आकृति के हैं। एक बार यदि हवाएं इसके अंदर फंस गई तो फिर वो इन्हीं से टकराती हुई आपस में इसी क्षेत्र में बारिश करती हैं और ये जो क्षेत्र है ये मासिनराम मेघालय के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, तो दोस्तों एक शाखा अराकान पर्वत से टकराती हुई सीधी भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों में फैल जाती है और दूसरी ब्रह्मपुत्र घाटी की ओर बहते हुए भारत के मासिनराम क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा करती है। दोस्तों ये है दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा बंगाल की खाड़ी की। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देखते हैं, यह तो बात हो गई ग्रीष्म ऋतु की। इसके बाद अगर हम देखें तो शीत ऋतु की अगर हम बात करें, अक्टूबर नवंबर की बात,
तो अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, जो सूर्य होता है ठीक है, वो मकर रेखा पर लंबवत होता है, इस क्षेत्र में होगा सन ठीक है। तो यहां पर जब लंबवत होगा तो इस क्षेत्र में क्या सा होगा, हाई टेम्परेचर होगा और लो प्रेशर होगा ठीक। और जो भारत का कर्क रेखा है उस समय यहाँ पर ठंड पड़ती है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा, लो टेम्परेचर होगा और प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा। तो सर्दियों के दिनों में जो हवाएं हैं वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेंगी, तो भारत में इस क्षेत्र से निकलकर कहाँ की तरफ बढ़ेंगी, हिंद महासागर की ओर बढ़ती हैं। यही हवाएं ठीक है हिमालय पर्वत से टकराकर वापस जाती हैं ठीक है। अब जब वापस जाती हैं तो यह लौटता हुआ मानसून, इसको बोलते हैं लौटता हुआ मानसून, या फिर बोलते हैं इसको बोलते हैं लौटता हुआ मानसून, या फिर बोलते हैं मानसून का निवर्तन। क्या बोलते हैं दोस्तों, मानसून का निवर्तन ठीक है। अब चूंकि ये बारिश करता हुआ जाता है तो इसमें इन हवाओं में नमी की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त कर लेती हैं, और बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करके सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु के तट पर करती हैं, तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये नोट कर लेना दोस्तों, लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, लौटता हुआ मानसून, या इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है ठीक है दोस्तों। ये हो गया, लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु के तट पर होती है। दोस्तों भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले ये फैक्टर्स हैं, इसमें से एक फैक्टर है जेट स्ट्रीम ठीक। कौन सा है, जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम जो हवाएं होती है इसको हम पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं, यह है भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है और भारत में भी ये इधर से पर्वतों से टकराकर ऊपर की तरफ निकल जाती हैं और इधर से नीचे की तरफ आ जाती हैं ठीक है, भारत में एंट्री करती हैं। ये जो हवाएं होती हैं ये जाड़े के दिनों में भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों में ठीक है बारिश करती हैं, और उत्तर पर्वत के जो मैदानी भाग है वहाँ बारिश के रूप में, और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के रूप में ये हवाएं बारिश करती हैं ठीक है, बर्फबारी करती हैं। तो ये कौन सी हवाएं होती हैं, पश्चिमी हवाएं ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं भारत की मानसून, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जलवायु को प्रभावित करने वाले हमारे जो कारक हैं वो हैं भारत की स्थिति ठीक है, भारत की स्थिति व अक्षांशीय रेखा ठीक है। ये भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं कि भारत गोलार्ध में किस स्थिति पर है, ध्रुवों की तरफ है या भूमध्य रेखा के पास है ठीक है। दूसरी है अक्षांशीय रेखा, किस अक्षांशीय रेखा पर है भारत, 8:4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक है ठीक है। तो ये डिसाइड करता है कि भारत की जलवायु कैसी होगी। दूसरा है मानसूनी हवाएं ठीक है। तीसरा है उत्तर पर्वतीय श्रेणियां, ये मानसूनी हवाएं हम पढ़ चुके हैं, उत्तर पर्वतीय श्रेणियां ये भी भारत की जलवायु को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं दोस्तों। ये उत्तर पर्वतीय श्रेणियां जो हैं ठीक है, यह भारत में मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं के लिए अवरोधक का कार्य करती हैं। अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश कर जाती, और भारत में जून जुलाई के महीने में भी क्या पड़ रही होती, ठंड पड़ रही होती ठीक है। तो ये हिमालय पर्वत ही है जो इन हवाओं को रोकने का काम करता है। तो तीसरा फैक्टर कौन है हमारी जलवायु को जो प्रभावित कर रहा है, वो है उत्तर पर्वतीय श्रेणियां। चौथा है जेट स्ट्रीम, जो हमने अभी पढ़ा बताया था, भूमध्य सागर से आने वाली ठीक है ठंडी हवाएं, इसे कहते हैं जेट स्ट्रीम। और पांचवा है ऊंचाई ठीक है, ऊंचाई ठीक।
क्या कारण है कि अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित होने के कारण शिमला में अधिक वर्षा होती है और अधिक ठंड पड़ती है और अमृतसर में कम? तो इसका कारण है शिमला का जो ऊंचाई है वह अमृतसर से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है। तो दोस्तों ऊंचाई पर जाने पर जो है तापमान कम होता जाता है, इसलिए भारत में जो अधिक ऊंचाई पर स्थान है वहाँ का तापमान अपेक्षाकृत निम्न ऊंचाई के स्थानों से अधिक होता कम होता है। ठीक है, तो ये इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक, अगली है भारत में किस प्रकार भारत की जलवायु कैसी है। तो दोस्तों याद रखना भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, ये भारत की क्या है, जलवायु है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों भारत में जो वर्षा होती है वो मानसूनी प्रकार की वर्षा होती है मुख्यतः। ठीक है, और मानसूनी प्रकार की वर्षा को हम पढ़ चुके हैं दो शाखाओं में, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, हाँ मौसम कितने प्रकार के होते हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ समय समय पर पवन अपनी दिशाएं बदलती रहती है, तो चार प्रकार के मौसम होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के मौसम होते हैं, चार प्रकार के। एक होता है शीत ऋतु, एक ग्रीष्म ऋतु, एक वर्षा ऋतु और एक शरद ऋतु। ठीक है, ये चार प्रकार के मौसम हमारे यहाँ पाए जाते हैं। हर मौसम में तीन तीन महीने का डिफरेंस होता है। ये 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होता है, ये 16 मार्च से जून तक होता है। ठीक है, 15 जून तक, ये 16 जून से सितंबर तक होता है, 15 सितंबर तक, ये 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक होगा। ठीक है, ये चार प्रकार के क्या पाए जाते हैं, मौसम पाए जाते हैं। ठीक, हाँ दोस्तों एक चीज़ आप और नोट कर लेना कि मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को हम अलग राज्यों, हर राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को असम में चाय वर्षा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, चाय वर्षा या नॉर्वेस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, बंगाल में बोलते हैं काल बैसाखी, काल बैसाखी। ठीक है, कर्नाटक में बोलते हैं कॉफी वर्षा, या फिर बोलते हैं इसको चेरी ब्लॉसम। ठीक, और केरल में बोलते हैं आम्र वर्षा। केरल में क्या बोलते हैं, आम्र वर्षा। ठीक दोस्तों, मैंने ये बताया था कि जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत के मैदानों में वर्षा होती है। इस वर्षा को राजस्थान में मावठ के नाम से जानते हैं। ठीक, ये भी नोट कर लेना, जेट स्ट्रीम के कारण होने वाली वर्षा, जेट स्ट्रीम के कारण शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को राजस्थान में मावठ कहते हैं। ठीक है, राजस्थान में मावठ कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर कि लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु में। ठीक है, दक्षिण और लौटते हुए मानसून को क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, केरल में होती है। ठीक, तो दोस्तों ये था मानसून के बारे में, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हेलो दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये बता चुका हूँ मैं, इसका सबसे पहले प्रयोग किया था, सबसे पहले वर्णन किया था अल मसूदी ने। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि, चार ऑप्शन है हमारे पास, शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है, शिमला में वायुदाब अधिक है, यह उच्च तुंगता पर है, या शिमला में अत्यधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों, इसमें मैंने बताया था भारत की जलवायु पर जो असर होता है वो हाइट का भी पड़ता है। चूँकि शिमला हाई अल्टीट्यूड पर स्थित है, उच्च तुंगता पर स्थित है, इसलिए ये अधिक ठंडा होता है अपेक्षाकृत अमृतसर की, जबकि अमृतसर की हाइट क्या है उतनी नहीं है, लेकिन वो सेम अक्षांश पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह उच्च तुंगता पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा नहीं होती है वो राज्य है तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है? तो दोस्तों, तमिलनाडु में सर्दियों के दिनों में जो बारिश होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो दोस्तों, सबसे पहले प्रवेश करता है, मैं बता चुका हूँ, ये सबसे पहले एंटर करता है केरल से। तो इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? तो दोस्तों, इसे बोलते हैं नॉर्वेस्टर्स। क्या बोलते हैं? नॉर्वेस्टर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों, कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु के तट पर जो वर्षा होती है वह सबसे अधिक अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है, लौटते हुए मानसून से। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो दोस्तों, सर्दियों के दिनों में जो वर्षा होती है उत्तर पश्चिम भाग में वह होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्र में होती है? तो आपको ऑप्शन में से बताना है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, ये मैं बता चुका हूँ, यह स्थान है मासिनराम। यह स्थान खासी पहाड़ी के दक्षिण में पड़ता है। ठीक, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ जो हैं वो मेघालय के पठार में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि? दोस्तों, ये बता चुका हूँ, यहाँ की पहाड़ियों का कीप क्या करती की है? यहाँ पर ऐसी पहाड़ी है ना, हवा अगर एक बार अंदर फंस गई तो फिर बाहर नहीं निकल पाती है, इन्हीं से टकरा कर वर्षा करती है। ये वाला जो एरिया है ये तुम्हारा मेघालय का एरिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो दोस्तों, सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। यहाँ पर धूप के टाइम में रेत होने की वजह से बहुत गर्म हो जाता है और रात में ठंड की वजह से रेत बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? जम्मू कश्मीर में सर्दियों के दिनों में जो वर्षा होती है दोस्तों, उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है लेह में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है? तो दोस्तों, उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दिनों में वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से होती है। ठीक, इसका सी आंसर करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों, मानसून निवर्तन का मतलब है मानसून के लौटने से, और मानसून के लौटने से सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु में, और चेन्नई तमिलनाडु में ही पड़ता है। तो इसका सी आंसर सही होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको टेस्ट पसंद आया होगा। धन्यवाद।